गाइस यहाँ पर टोटल 15 स्पाइडरमैन है, बट इनमें से सिर्फ कोई एक है रियल स्पाइडरमैन एंड बाकी 14 है फेक स्पाइडरमैन। अब रियल वाले का पता करने के लिए मुझे ये स्टिकी बॉम्ब यूज करना होगा, एंड अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो जायंट टॉक्सिक वेनम मुझे मार देगा। शुरुआत करूंगा मैं सबसे लेफ्ट वाले स्पाइडी से। 3 2 1 बूम। ये रियल स्पाइडरमैन नहीं है, ये तो बिग बॉडी पर्पल वेनम है। अरे परेशान मत हो जायंट वेनम, पता कर रहा हूँ, रुक जा। यहाँ टोटल अभी 14 स्पाइडरमैन बचे हैं, एंड अब मैं इनमें से किसी एक स्पाइडरमैन को अपनी सुपर कार से हिट करने वाला हूँ। हाँ, मैं इनमें से सिर्फ किसी एक को हिट करने वाला हूँ, बिकॉज उस जायंट वेनम का ये रूल है, एक मेथड सिर्फ एक स्पाइडरमैन पे अप्लाई होगा। बट मुझे समझ भी नहीं आ रहा हिट किसको करूं, सारे तो एग्जैक्टली सेम है। ओ भाई देख के जरा, मुझे स्पाइडरमैन को ठोकना है। ओके जाने दो, मैं इनमें सबसे बीच वाले स्पाइडरमैन को हिट करने वाला हूँ। सही एंगल, सही एंगल, ठोक दिया भाई, ठोक दिया। जाकर देखते हैं अब क्या वो असली वाला स्पाइडरमैन है। हैं? लेडी वेनम? नहीं यार। हाँ मेरे भाई, कोशिश कर रहा हूँ रियल वाले को ढूंढने की। ओके तो मैंने उन बचे हुए 13 स्पाइडरमैन में से एक स्पाइडरमैन को रोलर कोस्टर पे खड़ा कर दिया है। वो रोलर कोस्टर स्पीड में आएगा और तब सारा सच बाहर आ जाएगा। क्या बे चिंदी, मेरे से पैसे लेगा तू? ओके मैं रोलर कोस्टर पे बैठ चुका हूँ एंड ये स्टार्ट हो चुका है और ये धीरे धीरे हाइट पे जा रहा है ताकि नीचे उतरते वक्त इसकी स्पीड फुल हो जाए और सब जो स्पाइडी को पड़ेगी ना, देखना आप लोग। भाई फुल हाइट पे आ चुके हैं और वो देखो नीचे, वो दिख रहा मुझे स्पाइडी, दिखा क्या? नहीं दिखा? अरे ठीक से देखो, वो नीचे ही है और अगर नहीं देखा तो हम उसी के पास जाने वाले हैं उसे हिट करने के लिए। भाई साहब क्या पड़ी है उसे, मजा ही आ गया रोलर कोस्टर पे। तो वो स्पाइडी ट्रैक के यहीं कहीं नीचे गिरा था। ओए ये तो लीगो वेनम है, मतलब ये वाला भी स्पाइडी रियल नहीं था। शेट यार, टोटल 12 स्पाइडी बचे हैं अब एंड रियल वाला अब तक मालूम नहीं पड़ा है। पता है अभी ये लेजर गन मैंने भाड़े पे ली है, कितना भाड़ा है इसका मालूम है तुम्हें? तुम्हें क्या मतलब, भाड़ा तो मुझे देना पड़ेगा ना। क्या तू रियल है भाई? एक और फेक स्पाइडरमैन एंड ये ऐसे वैसे वेनम नहीं है, इसको क्या बोलते हैं इसको? गाइस अगर आपको मालूम है इस वेनम का नाम क्या है तो मुझे कमेंट में बताना आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अभी भी 11 स्पाइडी बचे हैं। कर रहा हूँ मेरे भाई, इतना आसान थोड़ी है। मैं अब इनमें से किसी एक को इस हेलीकॉप्टर से पिक करने वाला हूँ और उसे हाइट पे ले जाकर छोड़ दूंगा, तब मालूम पड़ जाएगा कि वो रियल स्पाइडरमैन है या फिर फेक। ये बहुत ही एपिक तरीका होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो बहुत ही क्रेजी होने वाली है आगे। सोच रहा हूँ इस बार सबसे राइट वाले को पिक करूँ, क्या पता वो रियल स्पाइडी हो। कम ऑन, आजा आजा, बहुत बढ़िया बड़ी। बट अभी हमें थोड़ा ऊपर जाना है, उस जायंट वेनम से भी थोड़ा ऊपर चलते हैं। ये हाइट एकदम परफेक्ट है, मैं स्पाइडी को ड्रॉप करने वाला हूँ। 3 2 1 बाय बाय। ओए ओ भाई, बहुत ही बुरी पड़ी होगी उसे। फटाफट नीचे जाके चेक करते हैं वो रियल स्पाइडी है या फिर फेक। अरे ये तो क्लॉ वेनम है, मतलब फिर से एक और फेक स्पाइडरमैन। अब भी 10 स्पाइडरमैन बचे हुए हैं, बट एक गुड न्यूज है, टोनी स्टार्क ने अपना मार्क 50 यहाँ भेज दिया है। तुम्हें तो पता ही है, हैंड चेस्ट बैक रिपल्सर कितने क्रेजी हैं। बट मैं उसे किसी एक पर यूज कर पाऊंगा, तुम पर कोई लिमिट नहीं है, तो निकलो यहाँ से, मेरा ध्यान डाइवर्ट होता है। पता नहीं क्यों इस वाले को देखकर मुझे कुछ अलग सी वाइब आ रही है, ये वो रियल स्पाइडी हो सकता है, मुझे मन नहीं हो रहा, बट आई एम सॉरी रियल स्पाइडी नहीं है, ये तो फ्लैश वेनम है। क्या यार, टाइम बहुत ही वेस्ट हो रहा है। भाई जायंट वेनम, क्या मैं रिपल्सर एक दो बारी और यूज कर लूं? काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अच्छा अच्छा बस एक ही बारी करूंगा। अबे चलना है, मैं तो मार के रहूंगा। अभी तो हल्का सा काट के छोड़ दिया उसने, बट मैं एक तरीका बार बार यूज नहीं कर सकता। गाइस तुम्हें तो पता ही है, ये है लॉस एंडोस की सबसे ऊंची बिल्डिंग मेज बैंक, यहाँ पर है 9 स्पाइडरमैन एंड मैं एक एक करके सबको किक, नहीं सबको नहीं, सिर्फ किसी एक को किक करूंगा, वो नीचे गिरेगा और तब मालूम पड़ जाएगा वो असली स्पाइडी है फिर नकली। नीचे देख के तो चक्कर ही आ रहे हैं, कुछ ज्यादा ही हाइट पे हम लोग। कौन इनमें से कौन हो सकता है वो रियल स्पाइडरमैन? ये सब बहुत ही ज्यादा सेम है, डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, फिर भी चूज करना है तो उस पीछे वाले को करते हैं। सॉरी बट भाई तुझे नीचे जाना होगा। गया भाई गया, बहुत लगने वाली है उसे अब। ओरे बहुत लगी होगी बेचारे को, अब वो रियल स्पाइडरमैन है या फिर फेक ये नीचे जाके मालूम पड़ेगा। हाँ जा रहा हूँ, घूर क्या रहा है। गाइस आई होप वो रियल स्पाइडरमैन हो, पैराशूट आराम से खुल जाइयो, मुझे अपनी हड्डियाँ नहीं तोड़वानी। ओके मुझे नीचे किसी की तो बॉडी दिख रही है, डेफिनेटली वो रियल स्पाइडी तो नहीं है, बट वो है कौन? ओ भाई मुंह पे पड़ी है।
हड्डियां तोड़वा ली, आखिर में हड्डियां तोड़वाई ली। एनीवेज गाइस, ये तो एंटी वेनम है, इसका मतलब वो भी रियल स्पाइडरमैन नहीं था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 स्पाइडी बचे यहाँ पर, एंड इनमें से मैं किसी एक को यहाँ इतनी हाइट से फेंकने वाला हूँ। बट इस बार चूज किसको करूँ? तू लास्ट वाला, तू चल मेरे साथ। पहले इस बैरियर को बीच में से हटाना पड़ेगा। अबे चल चल हटना, चल 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 आजा, रास्ता क्लियर है। एंड एकदम एच पे जाके खड़ा हो जाइयो ताकि मैं तेरे को धक्का मार पाऊँ। अबे ये क्या कर रहा है? अरे मुझे क्या हुआ? शिट शिट शिट, फ्रैंकलिन नहीं यार, गलती से मैं थोड़ा ज्यादा आगे चला गया। यही होता है जब आप लोग दूसरों के लिए खड्डा खोदते हो, और कभी कभी आप खुद उस खड्डे में गिर जाते हो। मुझे उस स्पाइडी को ढूंढना है, पहले ये तो गिरना बंद करे। झूले लाल, अरे मिल गई बॉडी। एंड ये तो रियल स्पाइडी नहीं है, ये तो सायरन हेड वेनम है। एक और नाकामयाबी मेरे कदम चूम रही है। ओके, अभी हम इस आयरन फैक्ट्री के पास है, एंड मैं पहले ही बता दूं ये वाली टेक्निक बहुत ही दर्दनाक होने वाली है। तो प्लीज प्लीज कह रहा हूँ, कमजोर दिल वालों जाकर पोगो देखो। यहाँ टोटल 7 स्पाइडरमैन बचे हैं, जिनमें सिर्फ कोई एक है वो रियल स्पाइडरमैन। क्या वो तू है या फिर तू है? चल 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 मेरे साथ। ओ भाई साहब देखा, ये तो उल्टा मुझे मार रहा है। अब तो मैं तेरे को ले जाकर रहूंगा, चल यहाँ से। ये तो बेहोश भी हो गया, मुझे अब इसको घसीट की फैक्ट्री के अंदर ले जाना पड़ेगा। लगता नहीं ये रियल स्पाइडरमैन है, रियल स्पाइडरमैन तो काफी स्ट्रॉन्ग है। और इसको देखो, एक ही फटके में बेहोश हो गया। बट 100% कंफर्म करने के लिए मुझे इसे उस उबलते हुए आयरन में डालना होगा। मैंने तो पहले ही कहा था ये थोड़ा दर्द भरा होने वाला है। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, बट इसको ऊपर कैसे लेकर जाऊं? जैसे जैसे ऊपर आ गया हूं मैं, बट थोड़ा ध्यान से, नीचे वो पिघलता हुआ आयरन है, पिछली बारी की तरह गिरना नहीं है मुझे। इसको मैंने यहाँ पर लटा दिया है, एंड इतनी हीट निकल रही है यहाँ से, पता नहीं इसकी बॉडी बचेगी कि नहीं। चलो देखते हैं, मुझे अब इसको घिसका घिसका के नीचे गिराना होगा। कमऑन कमऑन, हो जाएगा, हल्का सा और पुश करना है और ये नीचे पहुंच जाएगा। ये नीचे जाने लग रहा है, बहुत पास है, और ये आधे में लटक गया। ऐसे कैसे? मम्मी गया नीचे। ये तो स्पाइडरमैन है, ऐसा कैसे हुआ यार? कहीं वेनम ने रियल स्पाइडी को खा तो नहीं लिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कंफर्म करने के लिए बचे हुए स्पाइडीज को चेक करना होगा। गाइस वहां देख रहे हो, वो जॉम्बी पूल है, और अब बचे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्पाइडरमैन। मैं इनमें से किसी एक को उस जॉम्बी पूल में फेंकने वाला हूँ। बस प्लीज प्लीज इस बार तो रियल वाला स्पाइडी मेरे हाथ लग जाए। ओके, राइट से सेकंड वाले को गिराते हैं। बाय बाय। ओ माय गॉड, नीचे जॉम्बी पूल के अंदर है वो, जॉम्बी से जुड़े हुए थे अब। फिर से नहीं, ये भी रियल स्पाइडी नहीं है, ये तो जॉम्बी वेनम है। मतलब जॉम्बी को मैंने जॉम्बी पूल में फेंक दिया। वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मेथड। 5 स्पाइडी बचे हैं यहाँ पर अब, एंड इनमें से किसी एक को जाना पड़ेगा उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन के अंदर, जो कि उसको उसकी रियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। बोलो बोलो कौन जाएगा तुम में से? ओके मैं भूल गया, चूज तो मुझे करना है। वैसे फर्क तो क्या ही पड़ता है, सब तो एक जैसे दिखते हैं। तो चल भाई तू आ जा, और जल्दी से मशीन के अंदर जाकर बैठ जाइयो। स्पाइडी तो काफी अच्छे से फिट हो चुका है मशीन के अंदर, बस मुझे इस मशीन को स्टार्ट करना है। आई होप इस बार कुछ कमाल हो जाए। फैट वेनम गाइस, ये तो हद हो गई, ये तो फैट वेनम निकला, वो भी किस्मत का मारा थकेला। तो अब बचे हैं सिर्फ 4 स्पाइडी, और इस फॉरेस्ट में हमारे अलावा कोई भी नहीं है। स्पाइडर, ये तो एक जंगली स्पाइडर है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? शायद ये यहाँ पर दूसरे स्पाइडीज का तमाशा देखने आया है, या हो सकता है ये मेरी हेल्प करना चाहता हो। बट मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए भाई, मैं निपट लूंगा इन सबसे। अबे ये तो हिल भी नहीं रहे, मैं वीक हो गया हूँ या फिर ये लोग स्ट्रांग हो गए हैं? आई थिंक मुझे स्पाइडर की हेल्प लेनी चाहिए। तो भाई बिना भाव खाए मेरी हेल्प कर, और किसी एक स्पाइडी को नॉकआउट कर दे। वो जंगली स्पाइडर हेल्प करने के लिए मान गया है, बट भाई कोशिश करियो कि तू पहली बारी में उस रियल स्पाइडी का पता लगा ले। ओ भाई फेल दिया, स्पाइडर ने तो फेल दिया उसको। जाकर देखते हैं गाइस, पर अफसोस है मुझे, ये भी रियल स्पाइडरमैन नहीं है, ये तो ग्रूट वेनम है। हालत देखो उसकी, जंगली स्पाइडर भी पता नहीं लगा पाया उस रियल स्पाइडरमैन का। सिर्फ 3 स्पाइडरमैन बचे हैं, एंड उनमें से एक उस रेलवे ट्रैक पर है। अगर ये रियल स्पाइडी हुआ तो ये बच जाएगा, बट अगर ये फेक स्पाइडी निकला तब पता नहीं इसका क्या ही हाल होगा। ट्रेन आ रही है, आई होप इस बार हम लोगों को सक्सेस मिल जाए, बट कुछ नहीं कह सकते, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। ट्रेन बहुत पास आ चुकी है, हिट करने वाली है। ओ भाई पेल दिया, ट्रेन ने स्पाइडरमैन को पेल दिया, बट ये अपने रियल फॉर्म में नहीं आया। अरे ट्रेन तो रगड़ के ले गई इसको आगे। गाइस ये तो
सिम्बायोट है, व्हाइट एंड रेड सिम्बायोट। ट्रेन ने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, खतरनाक। इसका मतलब वो भी रियल स्पाइडरमैन नहीं था। अब सिर्फ दो स्पाइडरमैन बचे हैं, एक है रियल एंड एक है फेक, एंड इस प्लेटफॉर्म के ठीक नीचे है खतरनाक मैन ईटर शार्क्स। बट मेरी फूटी किस्मत देखो, मुझे लास्ट तक भी वो रियल स्पाइडरमैन नहीं मिला, बट इस राउंड के बाद मुझे वो रियल स्पाइडरमैन मिल जाएगा। गाइस आपको क्या लगता है, इनमें से रियल स्पाइडरमैन कौन सा है, राइट वाला या फिर लेफ्ट वाला, मुझे कमेंट करके बताना आप लोग। क्या पता आपका गैस सही निकले, एंड अगर आपने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। मुझे लगता है लेफ्ट वाला रियल हो सकता है। तो खत्म करते हैं इस खेल को, चले यहाँ से। गया भाई पानी में सीधा, नीचे शार्क्स ही शार्क्स हैं, छोड़ेंगे नहीं उसे वो। अरे वो स्पाइडरमैन तैर के किनारे की तरफ आ चुका है, चल कर देखते हैं। देखो वहां नीचे, देखो वहां नीचे किनारे पे कोई तो दिख रहा है, नीचे चलते हैं फटाफट से। वो स्पाइडरमैन जैसे तो नहीं लग रहा, तो फिर वो है कौन? ये तो वेनम 2099 है, मतलब ये वाला भी फेक था। अगर ये फेक था तो इसका मतलब वो रियल वाला स्पाइडरमैन वहां ऊपर उस प्लेटफॉर्म पर है। जल्दी से मुझे प्लेटफॉर्म पे पहुंचना होगा इससे पहले वो गायब हो जाए। अरे वो आखिरी स्पाइडरमैन कहाँ गया, यही प्लेटफॉर्म पर तो था वो। भाई जायंट वेनम, वो स्पाइडी कहाँ गया? वही तो रियल स्पाइडी था, है ना? ओ भाई क्या कर रहा है, शिट। नहीं, फ्रैंकलिन रियल स्पाइडरमैन था, तो वो रियल स्पाइडरमैन मैं था, ये कैसे हुआ? जायंट वेनम, जब तुझे मालूम ही था तो पहले क्यों नहीं बोला मुझे, इतना टाइम पास किया मेरे साथ तूने। गाइस कमेंट करना आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके नाइस, वाओ यूपी। साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्द एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय।